सबसे पहले आप अपने पीसी या लैपटॉप में इस क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ये क्रोम ब्राउजर ओपन हो जाएगा। जैसा ही क्रोम ब्राउजर ओपन होगा, यहाँ पे pixabay.com टाइप करके यहाँ पे आपको इंटर को प्रेस कर देना है। जैसे ही इंटर को प्रेस करेंगे, यहाँ पे pixabay.com का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अब जो भी आपका नीश है, उस नीश से रिलेटेड आप यहाँ पे सर्च करेंगे। जैसे कि मेरा हेल्थ एंड फिटनेस नीश है, तो मैं हेल्थ एंड फिटनेस यहाँ पे लिख के एंटर को प्रेस करूँगा। अपने नीश से रिलेटेड यहाँ पे टाइप करके आपको एंटर को प्रेस करना है। एंटर को प्रेस करने के बाद यहाँ पे उस नीश से रिलेटेड ढेर सारा इमेज आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे इस इमेज बटन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको वीडियोस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही वीडियोस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ढेर सारा वीडियोस देखने को मिल जाएगा। स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे आना है। जैसे कि मैं इस वीडियो को डाउनलोड करने वाला हूं, तो इस पे सिंपली क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद ये वीडियो ओपन हो जाएगा। यहां पे आपको एक फ्री डाउनलोड का बटन दिख जाएगा। इस बटन पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, यहां पे आपको साइज यहां पे डाल देना है। जो साइज का आप डाउनलोड करना चाहते हैं, उस साइज पे क्लिक करके यहाँ पे डाउनलोड बटन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर से आपको एक नया टैब को ओपन कर लेना है और इस सर्च बॉक्स में, गूगल के सर्च बॉक्स में आपको टाइप कर देना है canva.com। जैसे ही आप अपने क्रोम ब्राउजर में canva.com टाइप करके एंटर को प्रेस करेंगे, canva.com का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। कैनवा का ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप पहली बार विजिट करेंगे, तो सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है। यूट्यूब शॉर्ट्स को टाइप करके यहाँ पे आपको एंटर को प्रेस कर देना है। जैसे ही यूट्यूब शॉर्ट्स टाइप करके आप एंटर को प्रेस करेंगे, आपको ढेर सारा टेम्पलेट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ज्यादातर फ्री वाला मिलेगा आपको और पेड वाला भी मिल जाएगा, तो आपको पेड वाला का यूज नहीं करना है, फ्री वाला का आपको यूज करना है। अगर आप चाहे तो आप स्क्रैच से भी यूट्यूब शॉर्ट्स यहाँ पे बना सकते हैं। सिंपली आपको स्क्रैच से ही बनाना है। यहाँ पे आपको प्लस बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्लस बटन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। अब सिंपली यहाँ पे आपको एक अपलोड बटन दिख जाएगा। इस अपलोड बटन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से आपको एक अपलोड बटन दिख जाएगा। इस अपलोड बटन पे आपको फिर से क्लिक करना है। अब आपने जो भी pixabay.com वेबसाइट से वीडियो को डाउनलोड किया था, उस वीडियो को यहाँ पे अपलोड कर देना है। जैसे कि मैंने इस वीडियो को pixabay.com वेबसाइट से डाउनलोड किया था, तो सिंपली इस पे आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे ओपन बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ओपन बटन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा canva.com वेबसाइट पे। जैसे ये कम्प्लीटली अपलोड हो जाए इस वेबसाइट पे, तो सिंपली आपको इस वीडियो पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा ये वीडियो। अब सिंपली आपको इसे अच्छी तरह से सेटअप कर लेना है। फिर से आपको यहाँ पे एक एलिमेंट्स का बटन दिख जाएगा। इस एलिमेंट बटन पे आपको क्लिक करना है और इस सर्च बॉक्स में आपको टाइप कर देना है फोन फ्रेम। जैसे ही आप फोन फ्रेम यहाँ पे टाइप करेंगे, आपको ढेर सारा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे फोन फ्रेम का फ्री वाला जो वर्जन होगा, उसी को आपको यूज करना है। प्रो वाला आपको यूज नहीं करना है। तो फ्री वाला आपको नीचे में दिख जाएगा, यहाँ पे ढेर सारा आपको फ्री वाला मिल जाएगा। सी ऑल पे क्लिक करेंगे। सी ऑल पे क्लिक करने के बाद आपको एक अच्छा सा फ्रेम को चूज कर लेना है। इस फ्रेम पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये फ्रेम यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। अब सिंपली इसके बैकग्राउंड में जो वीडियो है, उसको ऊपर लाने के लिए सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे आप, ब्रिंग टू फ्रंट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ब्रिंग टू फ्रंट बटन पे आप क्लिक करेंगे, ये वीडियो ऊपर आ जाएगा और मोबाइल फ्रेम पीछे चला जाएगा। अब सिंपली आपको इस वीडियो को इस मोबाइल के अंदर फिट करना है। तो फिट कैसे करेंगे, तो इस वीडियो को सिंपली ड्रैग करते हुए इस मोबाइल पे ले जाके छोड़ देना है। जैसे इस मोबाइल फोन फ्रेम पे आप ले जाके इस वीडियो को छोड़ेंगे, ये मोबाइल में फिट हो जाएगा। तो सिंपली इस मोबाइल फ्रेम को आपको बड़ा कर लेना है। अब एक बार आप इसे प्ले करके भी देख सकते हैं। अब सिंपली आपको यहाँ पे एक टेक्स्ट का बटन भी दिख जाएगा। इस टेक्स्ट बटन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है और यहाँ पे एड अ हेडिंग बटन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको एक मैसेज को टाइप कर देना है। आप अपने नीश से रिलेटेड मैसेज को टाइप करेंगे और अपने नीश से रिलेटेड ही वीडियो को डाउनलोड भी करेंगे। मैंने अपने नीश से रिलेटेड यहाँ पे वीडियो को डाउनलोड किया है और नीश से रिलेटेड ही यहाँ पे टाइप किया है। अब सिंपली इस टेक्स्ट को आपको हाईलाइट कर देना है, इसका कलर को चेंज कर देना है। अब टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे आपको एक बोल्ड बटन दिख जाएगा, यहाँ पे कलर बटन दिख जाएगा। तो इस पे सिंपली कलर बटन पे क्लिक करके इसका कलर को चेंज कर लेना है और इस टेक्स्ट को हाईलाइट कर देना है। यहाँ पे इफेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये टेक्स्ट को आप हाईलाइट कर सकते हैं। अब इस टेक्स्ट में आपको एक एनिमेशन भी फिट कर देना है, तो इस टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एनिमेट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। इस एनिमेट बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे ढेर सारा आपको एनिमेशन देखने को मिलेगा। तो आपको एक एनिमेशन यहाँ पे आपको फिट कर देना है। अब हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया है। आप एक बार प्ले करके भी देख सकते हैं। अब सिंपली आपको यहाँ पे इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको शेयर बटन दिख जाएगा, इस शेयर बटन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक डाउनलोड बटन दिख जाएगा, इस डाउनलोड बटन पे भी आपको क्लिक कर देना है। फिर से आपको एक डाउनलोड बटन दिख जाएगा, फिर से आपको इस डाउनलोड बटन पे आपको क्लिक कर देना है।
वीडियो कम्प्लीटली डाउनलोड हो जाने के बाद आपको सिंपली एक न्यू टैब को ओपन कर लेना है और यहाँ पे इस सर्च बॉक्स में आपको टाइप कर देना है DigiStore24 टाइप करके यहाँ पे आपको एंटर को प्रेस कर देना है। जैसे ही आप DigiStore24 लिख के सर्च करेंगे यहाँ पे आपको DigiStore24.com नाम का एक वेबसाइट ओपन हो जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पे सबसे ऊपर वाला वेबसाइट जो है इस वेबसाइट पे आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है। DigiStore24 वेबसाइट का डैशबोर्ड कुछ इस तरह का आपको दिखेगा, इसका होम पेज कुछ इस तरह का दिखेगा। अब यहाँ पे कोने में आपको एक लॉगिन बटन और एक रजिस्टर बटन देखने को मिल जाएगा। इन दो बटनों में से एक बटन लॉगिन करने का है और एक बटन रजिस्टर नाउ, यानी कि अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो आपको रजिस्टर नाउ बटन पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले इस वेबसाइट पे आपको रजिस्टर करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको वेंडर एंड एफिलिएट बटन पे यहाँ पे क्लिक रहने देना है। अब यहाँ पे एक आपको यूनिक यूजर नेम यहाँ पे टाइप कर देना है। यहाँ पे आपको वैलिड ईमेल टाइप कर देना है, यहाँ पे वही ईमेल को रिपीट टाइप कर देना है। यहाँ पे आपको एक स्ट्रांग पासवर्ड को बना लेना है, यहाँ पे रिपीट पासवर्ड डाल देना है। यहाँ पे आप टाइटल डाल सकते हैं, यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी का नाम, एड्रेस डाल देंगे, फोन नंबर डाल देंगे, कंट्री डाल देंगे। यहाँ पे इस चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करके रजिस्टर फॉर फ्री नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर फॉर फ्री नाउ पे क्लिक करेंगे आपका DigiStore24 का अकाउंट बन जाएगा। अब DigiStore24 का डैशबोर्ड कैसे दिखता है, चलिए हम उस DigiStore24 के होम पेज पे चलते हैं। जैसे ही आप DigiStore24.com पे रजिस्टर करेंगे सबसे पहले आपको अपने अकाउंट नंबर को ऐड कर लेना है। अकाउंट नंबर ऐड करने के लिए यहाँ पे DigiStore24 नाम से आपका जो यूजर नेम बनाया है उस यूजर नेम को आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अपना आप बैंक अकाउंट को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं या फिर बैंक अकाउंट को आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। अब सिंपली इस मार्केट प्लेस पे आपको क्लिक कर देना है। अब अभी आपने जो भी वीडियो बनाया है उस निश से रिलेटेड आपको यहाँ पे ढेर सारा निश देखने को मिल जाएगा, कैटेगरी देखने को मिल जाएगा। मेरा हेल्थ एंड फिटनेस वाला कैटेगरी है तो मैं हेल्थ एंड फिटनेस पे यहाँ पे क्लिक करूंगा। हेल्थ एंड फिटनेस पे क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो आपको ढेर सारा प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं 85% कमीशन ये प्रोडक्ट अगर आप सेल करवाते हैं तो आपको मिलेगा। नीचे स्क्रॉल करते आएंगे तो यहाँ पे भी आपको 70%। तो मैं इस लिस्ट में से कोई एक प्रोडक्ट को यहाँ पे चूज करूंगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस एवरेज भी दिखाएगा, कमीशन दिखाएगा, अर्निंग पर सेल कितना है वो भी आपको देख सकते हैं, यहाँ किस कैटेगरी का ये प्रोडक्ट है वो भी आप देख सकते हैं। सिंपली आपको अपने निश से रिलेटेड एक प्रोडक्ट को यहाँ पे चूज कर लेना है और चूज करने के बाद यहाँ पे आपको एक प्रमोट नाउ बटन दिख जाएगा। इस प्रमोट नाउ बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस बटन पे आप क्लिक करेंगे आपका एफिलिएट लिंक यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। अब सिंपली आपको यहाँ पे इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लेना है, इस एफिलिएट लिंक को अपने नोटपैड में पेस्ट कर देना है। फिर से आपको एक नया टैब को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे आपको hubspot.com लिख के सर्च कर देना है, कुछ इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। hubspot.com लिख के आपको एंटर को प्रेस कर देना है। एंटर को प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप एक फ्री अकाउंट बना सकते हैं। सिंपली यहाँ पे आपको स्टार्ट फ्री और गेट अ डेमो बटन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको दो बटन दिख जाएंगे, यहाँ पे गेट स्टार्टेड फ्री बटन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस यहाँ पे टाइप करके नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे अपने गूगल अकाउंट से भी साइन इन कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ पे गूगल अकाउंट से साइन इन करूंगा। डायरेक्ट गूगल अकाउंट से साइन इन करने के बाद यहाँ पे आपको अपना इंडस्ट्री का कोई नाम दे देना है, कुछ इस तरह से आप टाइप करेंगे या फिर यहाँ पे अदर बटन यहाँ पे दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपना जॉब रोल टाइप करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपना कंपनी का नाम टाइप करेंगे, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको टाइप करना है कि आपकी कंपनी में कितने एम्प्लॉई काम करते हैं, तो सिंपली यहाँ पे 2 से 5 पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक वेबसाइट को टाइप करना होगा। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप अपना एक फ्री ब्लॉग बना सकते हैं, फ्री ब्लॉग का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अपना एक फ्री ब्लॉग बना सकते हैं और उस ब्लॉग का लिंक यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे अपने वेबसाइट का लिंक को डाल के यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे अपना डेटा को कहाँ होस्ट करना चाहते हैं वो आपको टाइप करना है। यहाँ पे USA रहने देना है। उसके बाद क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे ही क्रिएट अकाउंट बटन पे आप क्लिक करेंगे HubSpot में आपका एक अकाउंट बन जाएगा। अब यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको पहले वाले पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे भी आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको सेल्स बटन पे क्लिक कर देना है। अकाउंट बनाने के बाद अकाउंट का डैशबोर्ड आपको कुछ इस तरह का दिखेगा HubSpot का। यहाँ पे आपको मार्केटिंग टैब पे क्लिक कर देना है। मार्केटिंग टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लैंडिंग पेज देखने को मिल जाएगा। सिंपली इस लैंडिंग पेज पे आपको क्लिक कर देना है।
सिंपली यहाँ पे आपको एक गेट स्टार्टेड का बटन भी दिख जाएगा। इस गेट स्टार्टेड बटन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप अपना पेज का नाम डाल सकते हैं, जैसे कि आपका जो भी निश है उस निश से रिलेटेड आप अपना पेज का नाम डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने अपने निश से रिलेटेड यहाँ पे पेज का नाम डाल दिया। अब यहाँ पे सिंपली क्रिएट पेज बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्रिएट पेज बटन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ढेर सारा टेम्पलेट देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पे जितने भी टेम्पलेट्स आपको देखने को मिल रहा है, सभी यहाँ पे फ्री वाला टेम्पलेट है। किसी एक टेम्पलेट पे आपको क्लिक कर देना है और बिल्कुल स्क्रैच से आप उसको बना लेना है। तो सिंपली यहाँ पे बेसिक इवेंट रजिस्ट्रेशन वाले टेम्पलेट पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको सिलेक्ट टेम्पलेट बटन दिख जाएगा। सिंपली सिलेक्ट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको जितने भी यहाँ पे टेक्स्ट देखने को मिल रहा है, सभी टेक्स्ट को आपको एक एक करके सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। डिलीट करने के लिए सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको कोने में एक डिलीट बटन दिख जाएगा। सिंपली इस डिलीट बटन पे आपको क्लिक कर देना है तो ये टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा। इस बॉक्स को भी आप डिलीट करना चाहते हैं तो इस पर भी सिलेक्ट करके इस पर आपको डिलीट बटन पे क्लिक कर देना है, ये भी डिलीट हो जाएगा। अगर आप इस रॉ को भी डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे इस एरो बटन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डिलीट नाउ बटन दिख जाएगा। सिंपली इस डिलीट नाउ बटन पे आपको क्लिक कर देना है तो वो एरो डिलीट हो जाएगा। अब जो भी आपका निश है वो निश से रिलेटेड यहाँ पे आपको एक इमेज को अपलोड कर देना है। यहाँ पे इमेज को अपलोड करने के लिए सिंपली यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे इस पे रिप्लेस बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही रिप्लेस बटन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक एड इमेज बटन दिख जाएगा। इस एड इमेज बटन पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे अपलोड फाइल बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जहाँ पे भी आप अपने पीसी में उस इमेज को रखे हैं उस इमेज को आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ओपन बटन दिख जाएगा। इस ओपन बटन पे आपको क्लिक कर देना है तो वो इमेज यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे इस इमेज पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे वो इमेज यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक कॉल टू एक्शन बटन को डाल देना है। बटन को डालने के लिए यहाँ पे आपको एक बटन दिख जाएगा। इस बटन को सिंपली आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे रख देना है। इस बटन का आप स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो इस स्टाइल बटन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे इसका विजिबिलिटी, यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। जितना इस पर टाइम देंगे उतनी अच्छी यहाँ पे आपका बटन बन जाएगा। तो हम इस बटन को अभी ऐसे ही रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो अब आपने digistore24.com वेबसाइट से जो एफिलिएट लिंक को कॉपी किया था उस लिंक को सिंपली फिर से यहाँ पे एक बार आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको URL में आके इस लिंक को आपको पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे ओपन लिंक इन न्यू विंडो में अगर आप चाहते हैं कि इस बटन पर क्लिक करने के बाद एक नया विंडो ओपन हो तो यहाँ पर इसे आप ऑन कर देंगे। अब एक बार इसका आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं। प्रीव्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डेस्कटॉप पे कुछ इस तरह का दिखेगा और यहाँ पे मोबाइल फ़ोन पे कुछ इस तरह का दिखने वाला है आपका लैंडिंग पेज। यहाँ पे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ईमेल एड्रेस यहाँ पे आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसे अगर रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव कर सकते हैं। मैं अभी इसे रिमूव करूंगा। रिमूव करने के लिए सिंपली इस डिलीट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। इस रॉ को भी आपको डिलीट कर देना है। यहाँ पे आप इस बटन का नाम को चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे इस टेक्स्ट को बदलना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपली टाइप कर देंगे। यहाँ पे आप इस बटन का यहाँ पे टेक्स्ट को चेंज करेंगे और यहाँ पे आप जो भी टाइप करना चाहते हैं वो टाइप कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक पब्लिश बटन दिख जाएगा। यहाँ पे अगर आपका ये एरर आ रहा है तो सिंपली इस पेज टाइटल बटन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक टाइटल आपको डाल देना है, जो भी आपका निश है उस निश से रिलेटेड यहाँ पे टाइटल डाल देना है। अब यहाँ पे एक बार पब्लिश बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही पब्लिश बटन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से फिर से एक बार आपको पब्लिश नाउ बटन पे क्लिक कर देना है तो आपका लैंडिंग पेज पब्लिश हो चुका है। अगर आप इसे एक बार देखना चाहते हैं तो सिंपली इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस लिंक को आपको कॉपी करके यहाँ पे रख लेना है उसी नोट पैड पे। अब जो भी बंदा इस पेज पे विजिट करेगा, यहाँ पे इस गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद हमारा एफिलिएट लिंक पे ये पहुँच जाएगा कुछ इस तरह से। अब इस एफिलिएट लिंक पे पहुँचने के बाद जो बंदा इसे बाय नाउ पे बटन पे क्लिक करके इसे परचेज करता है तो हमें उसका कमीशन मिलेगा। अब फिर से आप एक न्यू टैब को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप एक यूट्यूब चैनल को क्रिएट करेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी यूट्यूब चैनल है तो सीधे आपको studio.com ओपन कर लेना है। studio.youtube.com आपको यहाँ पे टाइप करके एंटर को प्रेस कर देना है। जैसे आप एंटर को प्रेस करेंगे कुछ इस तरह से आपका यूट्यूब चैनल ओपन हो जाएगा। अब सिंपली आपको यहाँ पे इस क्रिएट बटन पे क्लिक कर देना है, अपलोड वीडियोस पे क्लिक करना है। अब आपने जो भी वीडियो आप क्रिएट किया था अपने निश से रिलेटेड उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। अपने उस वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ओपन बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब आप अपने वीडियो का टाइटल यहाँ पे डाल देंगे और टाइटल डालने के बाद यह मस्ट है कि यहाँ पे आपको शॉर्ट्स लिखना ही है। यहाँ पे आप शॉर्ट्स लिखेंगे और यहाँ पे भी आप शॉर्ट्स जरूर लिखेंगे। कुछ इस तरह से हैशटैग वाला शॉर्ट्स आपको लिखना है। तो यहाँ पे शॉर्ट्स, YT शॉर्ट्स, शॉर्ट्स लिख के आपको टाइप करके यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आपको थंबनेल डालने की भी कोई ज़रूरत नहीं है।
सिंपली यहाँ पे आपको नॉट इट्स नॉट मेड फॉर किड्स बटन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे चेक्स में जाएंगे तो यहाँ पे कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं है। और यहाँ पे कमेंट बॉक्स पे आपको ऑल पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे अलाउ ऑल कमेंट्स बटन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे और सीधे इसे अपलोड कर देंगे। सेव और पब्लिश बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे पब्लिक पे सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे पब्लिश बटन पे क्लिक कर देना है। आपका ये वीडियो पब्लिश हो जाएगा। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। अब इसे क्लोज कर देना है। अब यहाँ पे कंटेंट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब सिंपली इस वीडियो को आपको प्ले कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारा शॉर्ट कम्प्लीटली यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अब सिंपली इस कमेंट बटन पे आपको क्लिक करना है। कमेंट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको विजिट लिंक लिख देना है कुछ इस तरह से। विजिट लिंक लिखने के बाद यहाँ पे आपने इसे जो कॉपी किया था यहाँ पे उसे पेस्ट कर देना है कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे कमेंट बटन पे क्लिक कर देना है। कमेंट बॉक्स में अपने लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर देना। अब जो भी बंदा इस वीडियो को देखेगा इस कमेंट बॉक्स के जरिए उस पेज पे पहुंच जाएगा और आपका प्रोडक्ट को परचेज करेगा और आपको कमीशन मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं किसी पावरफुल एजुकेशनल ऑनलाइन अर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।